नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस मंच पर। दोस्तों, जिंदगी का एक हिस्सा, एक पन्ना जब हम पढ़ लेते हैं तो पन्ना पलट देते हैं और अगले पन्ने पे आते हैं और उस पर जो हर्फ लिखे हैं उन्हें पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्रिकेट की फील्ड में भी जब एक पारी समाप्त हो जाती है तो दूसरी पारी आती है। हाँ, पहली पारी समाप्त होते होते बहुत एक्साइटमेंट होता है। राजनीति की पारियां भी ऐसी आती हैं जाती हैं। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 1971 से जो चुनाव हुए हैं उनको भली भांति देख पाया और खासतौर से अब 2024 में भी देख पाया। कितने बसंत देखे, कितनी गर्मियां, कितनी वर्षा ऋतु, कितनी सर्दियां, ध्यान नहीं। लेकिन हाँ, वक्त को बदलते देखा, मौसम को बदलते देखा, वो चेहरे जो अहंकार से भरे थे उन्हें सर झुकाकर भी चलते देखा। कल एक ऐसे मौका था जब मोदी जी आ तो रहे थे, उनके ऊपर कुछ लोग कुछ पुष्प वर्षा थी या जो भी थी कर तो रहे थे, लेकिन इतना बुझा हुआ चेहरा मैंने मोदी का कभी नहीं देखा कि जीतने के बाद भी हार का एहसास उनके शरीर के ऊपर था। उन्हें पहली बार महसूस हो रहा था कि अब मुझे हर निर्णय के लिए दूसरे को पूछना पड़ेगा, क्या मैं लूं। जब इंसान ब्रूटल मेजोरिटी से निकलकर एक ऐसी मेजोरिटी के ऊपर ऊपर जाता है जिसे वर्किंग मेजोरिटी कहती है कोलिशन के साथ में, तो फिर कहीं ना कहीं वो सारी रुकावटें, वो सारी बंदिशें, वो सारी बाधाएं। कुछ भक्त लोग मुझसे बात कर रहे थे कल, वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है मोदी जी के निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर, और भारत की इकोनॉमी स्लो हो जाएगी। मैंने कहा इकोनॉमी स्लो होती हो तो हो जाए, लेकिन भारत की जनता जीतनी चाहिए, भारत की जनता कम से कम परास्त नहीं होनी चाहिए। 2024 का चुनाव इतिहास रच दिया। बहुत सारे ओवर हाइप्ड लोग थे, मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा से मंथन करने की जरूरत है। बहुत सारी पारियों का अंत हुआ, उसमें नवीन पटनायक भी, मुझे लगता है कि जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है नवीन पटनायक खुद भी चुनाव हार गए। शायद ये एक ऐसी घटना है जिसने नए किस्म से इतिहास लिखा है। ये इतिहास ये भी है कि कभी कभी एक अजगर छोटे सांप को भी खा जाता है और तुम समझते हो कि मैं इसको सपोर्ट देता रहूंगा और ये मुझे बख्शता रहेगा, नहीं, मौका पड़ते वो उसको भी खा जाता है। क्या कहें, इतिहास ऐसे ही बनता है। वो जो कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज वो 100 सीट पे खड़ा है। लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, 99 पे रह गए हैं, सेंचुरी हो नहीं पाई, डॉन ब्रेडमैन की तरह शायद एक रन से चूक गए। मैंने कहा नहीं, एक रन से चूके नहीं, क्योंकि विशाल पाटिल सांगली से जो निर्दलीय जीते हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस ने बाहर से उनको समर्थन दिया था, तो वो 100वीं सीट उनकी है। बाद में निर्दलीय कांग्रेस में शामिल भी हो जाएंगे, लेकिन उसको मिलाकर 100 हो जाते हैं। खैर, ये आंकड़ों की बात है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरे परिदृश्य के ऊपर, हालांकि ये चर्चाएं कई दिनों तक, कई हफ्तों तक चलेंगी, लंबी चलेंगी और बहुत सारे विश्लेषण आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ चीजें ऐसी बताने जा रहा हूं जहां पर लोगों को अपने शेल से बाहर आने की जरूरत है कि वो लोगों को या उन स्टेट्स की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री बनाता बनाता रह गया। हमारे साथ इस समय राकेश अचल जी, गिरीश जोशी जी, ओम सैनी जी और विवेक देश पांडे जी का भी दर्शन नहीं हुए हैं, हो जाएंगे मुझे लगता है, जी आ गए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। तो विवेक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गिरीश भाई आपसे लेता हूं, गेरी बहन की भी एक स्टोरी है, आखिरकार वो जीत गई। एक तिलस्म, एक माया जाल तो टूटा कि 26 के 26। कहीं ना कहीं तो शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं तो एक दरार पड़ती है जिसकी वजह से बाद में जब दरार चौड़ी होती चली जाती है तो फिर हम सोचते हैं कि हाँ कुछ तो होगा। लेकिन बहुत कुछ हुआ कल, हम हारे नहीं हैं, हम उस प्रोसेस का हिस्सा हैं, वो जीते हैं पर हम हारे नहीं। लोकतंत्र बच गया, लोकतंत्र जिंदा है, और जो लोग लोकतंत्र को धता बता रहे थे, थोक तंत्र में कन्वर्ट कर रहे थे, भारत की जनता ने उन्हें एक ऐसा तमाचा मारा है जो शायद उन्हें सदियों तक याद रहेगा। गिरीश भाई, अनम्यूट कर लीजिए। एक तो भारत की जनता ने बड़े जोर शोर से दोबारा ये अपने आप को साबित कर दिया कि ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है इंडिया की। वो जुमले बर्दाश्त कर सकती है, नौटंकी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन झूठ नहीं बर्दाश्त कर सकती है, दादागिरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही सिचुएशन जो पहले भी थी, तो सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी इसलिए, और ये सबक सब गवर्नमेंट के लिए कि आप अपने आपे में रह के देश चलाइए, आपको सपोर्ट मिलेगा। जिस दिन आप अपने आप में आ गए तो सरकार आपको उठा के फेंकने में देर नहीं करेगी। और ऐसा इन्होंने लटका के रख दिया है कि अभी आपकी बुद्धिमत्ता की एग्जामिनेशन भी जनता हमसे ले रही,
कि अभी आप क्या करोगे आगे, अब आपकी सोच पे रख छोड़ देते हैं। तो अभी ये पोजीशन ऐसी लाके इनको छोड़ दी है कि इन्होंने बिल्कुल जो कर रहे थे मोदी जी उसी की रिवर्स प्रोसेस पे उनको लाके छोड़ दिया कि जो उनको नहीं करना अच्छा लगता था वही उनको अब करना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि इनका जो ओरा था, इनका जो बिहेवियर था काम करने का, क्योंकि इन्होंने 25 साल में कभी पब्लिक डीलिंग करी नहीं है। ये इलेक्टेड कैंडिडेट नहीं है, ये पैराशूट से उतरे थे, तो इनको ऐसे लगा कि ये तो राजाशाही है, मेरे को पावर मिल गया है, अब जब तक मैं जिंदा हूं मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं आगे जाता रहूंगा, ये बिहेवियर में। और इन्होंने सबसे अच्छा जो अच्छा मॉडल्स ऑपरेंट दिया, मैं ख्याल से अपने आगे भी मैंने बात करी थी कि मेरे को बड़ा ताजुब लगा जब भी वो 22 जनवरी 2000 का जो एक लेख लिखा था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, RSS द गेम प्लान, उसको जब मैं अभी कंपेयर कर रहा हूं तो उन्होंने जो लिखा था एग्जैक्टली इन लोगों ने उसी तरह से बिहेव किया। और ये हिंदुस्तान के नसीब अच्छे हैं कि पब्लिक को और अपोजिट पार्टियों को समझ में आ गया कि अगर ये थर्ड टर्म दे देते हैं तो ये वही कर डालेंगे जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा था। तो फर्स्ट टर्म में जो इन्होंने बिहेव किया कि पहले इन्होंने अपोजिशन को बिल्कुल नकारा साबित कर दिया, भाई कांग्रेस मुक्त भारत है, अपोजिशन में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो देश चला पाएगा, तो ये नरेटिव चला था कि भाई मोदी नहीं तो कौन, मोदी है तो मुमकिन है, ये चला। सेकंड टर्म में इन लोगों ने बहुत वही जो फॉलोअप था कि इन्होंने सारी एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट्स को नाकारा साबित कर दिया कि ये बिल्कुल बेकार है, कोर्टें करप्ट हैं, कुछ कर नहीं रही है, पुलिस डिपार्टमेंट पूरा करप्ट है, ये उनके मदद बिल्कुल मनमर्जी से चलता है। तो इन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन नहीं छोड़ा, इन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपने RSS के बंदे बिठा के उनका पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया, ह्यूमन रिसोर्सेज में अपनी आदमी बिठा के इन्होंने हिस्ट्री बदलने की भी कोशिश करी, इन्होंने इतने तक आ गए थे कि मुगल वर्ड भी यूज नहीं करना है आपको हिस्ट्री में। तो ये जो इनका सेकंड पार्ट था, उसके बाद थर्ड पार्ट इतना डेंजरस था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके दो सभाएं बना देते, एक साधु सभा और एक रक्षा सभा। ये साधु सभा प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती कि कौन मिनिस्टर होगा और सिविल प्रेसिडेंट विल हैव टू अपॉइंट, और रक्षा सभा जो है वो डिफेंस और कोर्ट को कंट्रोल करेगी। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग उस एंड तक तो पहुंच गए थे, लेकिन इस देश में मुगल भी आके चले गए, अंग्रेज भी आके चले गए, तो ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और कोई तो ऐसी शक्ति है। क्योंकि आप देखिए कि आपने राम के नाम से झूठ फैलाया तो राम ने आपको सबक सिखा दिया, क्योंकि राम तो अहंकार के सामने लड़े थे, तो आपने राम के सामने ही अहंकार कर दिया। मुसलमानों में खुदा ने इनको बोला था कि भाई आप बिल्कुल शांति रखिए और अमन से जिए, उन लोगों ने वो उनकी बात मान ली थी, उन्होंने शांति अमन रखा, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया, जो ये हमेशा चाहते थे कि रायट्स हो जाए, कुछ हो जाए तो इमरजेंसी डिक्लेयर करके वो सिचुएशन, वो पार्ट टू में भी फेल हो गए। और बाकी जितना उन्होंने सिखों को भी काफी पुशबैक करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी वो गुरु जी का जो ज्ञान था वो काम आया कि भाई आपको तब तक नहीं लड़ना है जब तक आप कॉम्प्रोमाइज के सारे ऑप्शंस क्लियर नहीं कर लेते हो, ये वाहेगुरु ने सिखाया था। क्रिश्चियंस ने हमेशा ऑलवेज लव द नेबर एज दाई सेल्फ बोलते, तो सारे लोगों ने सीख लिया। अब नहीं सीखने वाले जो थे उनको फिर पब्लिक ने उठा के घर भेज दिया है, और ऐसे घर भेजा है कि स्टेशन पे छोड़ दिया, टिकट लेके नहीं दिया, अब वो टिकट का बंदोबस्त करने के चक्कर में भटक रहे हैं। दिनेश जी,